मुख्यमंत्री एक बार फिर माननीय न्यायालय की ओर रुख करते हुए जो सम्मान इश्यू किया उससे इवेड करने की कोशिश कर रहे हैं। कल उनको माननीय न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली, 3 दिन पहले भी वो न्यायालय गए थे, राहुल एवेन्यू कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली, कोई स्टे नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी, आप लाखों रुपए पर हियरिंग महंगे महंगे वकील खड़ा कर रहे हैं समन्स को इवेड करने के लिए, कानून से भागने के लिए। क्यों भाग रहे हैं ये तो आपको मालूम होगा, लेकिन कानून अपना काम करा, कानून के तहत आपको सम्मन पे सम्मन इश्यू हो रहे हैं, लेकिन आप कानून का सम्मान नहीं कर रहे। आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन चाहिए, ये आपने लिख के दिए, बोला गया कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। किस चीज की प्रोटेक्शन चाहिए जी? आप तो क्या कानून से ऊपर है क्या कि आप तब जाएंगे ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए जब आपको प्रोटेक्शन मिलेगा? आप कानून से ऊपर नहीं अरविंद केजरीवाल जी, कानून का सम्मान करिए। जो पैसे आप लाखों करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं अपने वकीलों के खोड़ा खड़ा करने के लिए, अगर आप चले जाते ईडी का के सवालों के जवाब देने के लिए, आप चले जाते और उनके सवालों का जवाब दे देते तो अच्छा रहता, कानून का सम्मान भी होता। लेकिन अफसोस, पता नहीं अब किस चीज से भाग रहे हैं, वो तो आपको मालूम होगा, लेकिन भागता वही व्यक्ति है जिसने कुछ किया हो। और ये जो आप भाग रहे हैं ना, इससे साफ नजर आ रहा है कि आपने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ छिपा रहे हैं। आपको सिर्फ इतनी एडवाइस है कि आप कानून का सम्मान करिए। ये आप न्यायालय के चक्कर काटने की बजाय अगर आप ईडी के यहां जाए और उनका सवालों का जवाब दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।